लास्ट सेशन में हमने एंड्रॉइड के अंदर सेंसर एग्जांपल सीखा, अब हम देखेंगे वाईफाई इन एंड्रॉइड। वाईफाई एक बहुत ही कॉमन वर्ड हो चुका है हर एक के लिए, चाहे वो टेक्निकल पर्सन हो या एक कॉमन ह्यूमन बीइंग हो, दोनों के लिए ये शब्द बहुत ही कॉमन है। वाईफाई की जब हम बात करते हैं तो ये जो फैसिलिटी है आज हर एक स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में इजीली अवेलेबल होती है और लोग इसका फुल फ्लेज यूज़ कर रहे हैं। घर में कोई भी पर्सन अगर होता है, चाहे उसे टेक्निकली कुछ भी ना पता हो, चाहे वो हमारी मदर हो, हमारे फादर हो या घर का बच्चा हो, तो भी वो वाईफाई को यूज़ करना जानता है। सो हमें ये देखना है कि वाईफाई क्या चीज़ है। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स पे चलती है। जनरली एक लोगों का कंटेंट है, या हम कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग वाईफाई को वायरलेस फिडिलिटी के नाम से जानते हैं, पर वाईफाई जो है वो सिंपली एक ट्रेडमार्क है जो यूज़ होता है IEEE 802.11x के बदले। अब ये क्या चीज़ है? तो वाईफाई अलायंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वाईफाई को अपना एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बना दिया है। उन्होंने वाईफाई का जो कंटेंट या जो एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो वो सिंपली एक वायरलेस लैन का कंसेप्ट है जो बेस्ड होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो IEEE हमने देखा, तो उसका यहाँ पे उस पर ये बेस्ड होगा। अब ये वाईफाई किस तरीके से काम करता है? तो यहाँ पे बेसिकली एक वायरलेस कनेक्शन का सेटअप किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करके। एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर रेंज होंगी वाईफाई की, तो वो रेंज के बेसिस पे जितने भी अलग अलग डिवाइसेस है, फ़ोन है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर डिवाइस वाईफाई का यूज़ कर सकता है रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज़ एक वाईफाई यहाँ पे यूज़ करना है, तो हमने इसके लिए एक वाईफाई राउटर लगेगा जिसके थ्रू उसकी जो रेंज है, उस रेंज में जितने भी अलग अलग डिवाइसेस है, वो डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करके वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि एंड्रॉयड के अंदर जो वाईफाई होता है वो क्या करता है और हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है हमारी एप्लीकेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो एंड्रॉइड के अंदर वाईफाई हर तरह की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। जैसे कि नॉर्मली जब हम फ़ोन के अंदर वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क सेटिंग में जाके ऑन करते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम स्कैन पे क्लिक करते हैं ताकि हमें जितने भी हमारे पास वाईफाई नेटवर्क हमारे आसपास अवेलेबल है उसका नाम, उसकी लिस्ट हम देख सकें। वो लिस्ट देखने के बाद हम उसे ऐड कर सकते हैं हमारे फ़ोन में, जो भी उसका यूज़र नेम पासवर्ड, अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो वो वहाँ पे पासवर्ड डाल के हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। उस नेटवर्क को हम सेव भी कर सकते हैं, या कोई नेटवर्क ऑलरेडी सेव है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम उसे वहाँ से टर्मिनेट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम उसकी जो स्पीड है वो स्पीड देख सकते हैं, उसका आईपी एड्रेस अगर हम जानना चाहते हैं तो आईपी एड्रेस भी हम गेट कर सकते हैं, और सारी नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम वाईफाई के थ्रू एंड्रॉयड के अंदर देख सकते हैं। अब वाईफाई के साथ डील करने के लिए हमें वाईफाई मैनेजर का यूज़ करना होता है एंड्रॉयड के अंदर, जिसके थ्रू हम वाईफाई के साथ जो भी कोड जनरेट करना चाहते हैं वो जनरेट कर सकते हैं। सो उसका यहाँ पे एक मेथड होता है गेट सिस्टम सर्विस मेथड, जिसको हम यूज़ करके यहाँ पे वाईफाई का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई मैनेजर, उसका एक इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, और वो इंस्टेंस क्रिएट करने के साथ हम उसकी जो गेट सिस्टम सर्विस मेथड है उसे यूज़ कर रहे हैं वाईफाई के साथ काम करने के लिए। अब सपोज़ हम स्कैन करना चाहते हैं कि हमारे पास कितने वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज़ करना होगा। सो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज़ करके उसकी जो रजिस्टर रिसीवर है उस मेथड का यूज़ करके ये टास्क हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक क्लास
क्रिएट किया है वाईफाई स्कैन रिसीवर, जिसमें हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर को एक्सटेंड करवा रहे हैं और जिसके अंदर हम कोड जो भी जनरेट करना चाहते हैं वो ऑन रिसीव पे जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने उसके इंस्टेंस के साथ यहाँ पे रजिस्टर रिसीवर का यूज़ किया है मेथड का, जिसके अंदर हम यहाँ पे स्कैन रिजल्ट अवेलेबल एक्शन इस तरह का कंटेंट यूज़ करके सारे वाईफाई जो अवेलेबल है उसको देख सकते हैं। अब वाईफाई स्कैन जो होता है उसके लिए हमें उसकी स्टार्ट स्कैन मेथड का सबसे पहले तो कॉल करना पड़ेगा, अगर हमें वो स्कैनिंग स्टार्ट करना है तो। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज़ हमने एक लिस्ट का यूज़ किया है जिसके थ्रू हम गेट स्कैन रिजल्ट यहाँ पे मेथड का यूज़ कर रहे हैं। अब वाईफाई मैनेजर जो क्लास है वो क्लास के पास अलग अलग तरह की मेथड्स है जिनका यूज़ करके हम इस वाईफाई मैनेजर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर। सो यहाँ पे वो मेथड्स हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड नेटवर्क मेथड है। ये मेथड बेसिकली हम जो नेटवर्क ऐड कर रहे हैं उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो वो यहाँ पे हम नेटवर्क डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर वाईफाई लॉक हम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं, डिसकनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये कंटेंट भी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा वाईफाई के साथ जो भी टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे वाईफाई का स्टेट क्या है, वो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, इनेबल्ड है या डिसेबल है यहाँ पर, तो अगर हम उसको कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके हम ये सारे टास्क अचीव कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि वाईफाई क्या होता है, किस तरीके से वाईफाई काम करता है, वाईफाई एपीआई क्या होती है एंड्रॉयड के अंदर, कैसे हम वाईफाई मैनेजर का यूज़ करते हैं और डिफरेंट मेथड्स जिसका यूज़ करके हम वाईफाई मैनेजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे वाईफाई एग्जांपल इन एंड्रॉयड।